তো রেকর্ডিং এর মেসেজ গেছে আর স্ক্রিন শেয়ার আছে। তোমার স্ক্রিন শেয়ার হয়েছে তো দেখো। হ্যালো, হ্যাঁ, হয়েছে হয়েছে। ঠিক আছে, আজ আমরা স্টার্ট করেন। লিখে তুমি লিখে টাইপস অফ নাম্বার, ঠিক আছে? টাইপস অফ নাম্বার, ये तो लोगों ने बचपन में पढ़ा है। सबसे पहला टाइप होता है नेचुरल नंबर, ठीक है? नेचुरल नंबर, ये सब हम लोग को डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट होता है नेचुरल नंबर, सेकंड लिखो होल नंबर, ठीक है? होल नंबर। थर्ड लिखो इंटीजर नंबर्स। फोर्थ लिखो रैशनल नंबर। ये चैप्टर मेनली है कि हमें ये सब का डिटेल्स पढ़ना है, ठीक है? तो नेचुरल नंबर मतलब कैसे क्या होता है, देखो लिख लो, हम बताते। अगर लिखना हो जाए तो मुझे बोलो, हम बताते नेचुरल नंबर का मतलब। लेकिन तो देखो, नेचुरल नंबर का मतलब है जैसे कि अगर हम लोग सबसे पहले जब काउंटिंग सीखते हैं तो कैसा सीखते हैं बोलो। हम लोग को जब पहले काउंटिंग मैंने छोटे वाले देखो सिखाना है तो अपन की दी 1 2 3 4 এটাই মাথায় এলো, তো 1 2 3 4। তো ন্যাচারাল নাম্বার মানে কি কি হবে, 1 2 3 4 5 ডট ডট, ক্যা ইসকা কোই এন্ড হ্যায় না? 100 পর কি হয় না? তো আমাদেরকে একটা মিনিমাম 100 পর্যন্ত শেখানো হয়, কিন্তু 100 পরও তো হবে, তুমি যত গুনতে পারবে, আমরা তো অত গুনে শেষই করতে পারবো না। কি আমরা কাউন্ট কর সকেঙ্গে 1 2 3 4 5 6 7 8 করকে আনলিমিটেড হোগা, মতলব ইসকা স্টার্টিং তো হ্যায় লেকিন ইসকা এন্ডিং হমেন নেহি পাতা হ্যায় না, ক্যুকি ইয়ে তো হমলোগ জিতনা কাউন্ট কর সকতে। হমলোগ বোলেঙ্গে 1000 তক বোলেঙ্গে, ও হামারা প্রবলেম হ্যায়, হমলোগ 1000 তক বোল রহে লেকিন 1000 কে বাদ ভি তো হোগা 1000 1 2 3, ঠিক হ্যায়? আচ্ছা, উসকে বাদ হমলোগো নে এক আচ্ছা নাম্বার সিখা হ্যায় বোলো। मतलब जिसको किसी और नंबर के साथ ऐड करने से उसका वैल्यू बढ़ जाता है, कौन सा है वो नंबर? आर्यभट्ट की आविष्कार करे संख्या गणना बोलो, छोटे वाले शून्य, ठीक शून्य गुणा लिख तो दीजिए शून्य। জিরো, জিরো কে অ্যাড করলে যে কোনো সংখ্যার পেছনে ভ্যালু বেড়ে যাবে না? একে অ্যাড করলে 10 হয়ে যাবে, দুইয়ে 10, যদি দুটো লাগাও 100 হয়ে যাবে, তিনটে লাগাও তাহলে 1000 হয়ে যাবে। তাহলে হোল নাম্বার মানে আমার কি হবে, হোল নাম্বার মানে ইনক্লুডিং, মানে হোল নাম্বার মতলব কেসে ইয়াদ রাখনা হ্যায়, দেখো তুম লোগ কো সিকোয়েন্স সিখা রে কেসে ইয়াদ রাখ সকতে হো। ন্যাচারাল নাম্বার মতলব জব বচপন মে সিখে থে কাউন্টিং করনা, তো দিমাগ মে কে আয়া 1 2 3 4 5, ঠিক হ্যায়? होल नंबर मतलब इसमें एक नंबर जुड़ जाएगा दैट इज जीरो, और ये पहले वाला रहेगा। होल नंबर मतलब नेचुरल नंबर एंड समथिंग एल्स, माने नेचुरल नंबर के फीचर्स होता था फैक्ट में प्लस होल नंबर माने जीरो है, 0 1 2 3 4 5। ये ऐसे करके अगर हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग को याद रहेगा, माने हम बोलते हैं जी এরকম ভাবে যদি আমরা মনে রাখি তাহলে আমাদের কি হবে एग्जाम में সবাই জিনিসগুলো খুব সহজেই মনে পড়ে যাবে, ঠিক আছে? তো ন্যাচারাল নাম্বার मतलब 1 2 3 4 5, হোল নাম্বার मतलब ইনক্লুডিং 0 1 2 3 4 5, ঠিক আছে? আচ্ছা, अब इंटीजर होल नंबर ये हो गया 0 1 2 3 4 5, ठीक है? अब इंटीजर का मतलब देखो, इंटीजर नंबर का मतलब क्या है, जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं, हम यहाँ पर दिखा रहे 5 - 2 करते हैं कितना आएगा 3, अगर हम लोग 2 - 5 करते हैं कितना आएगा, नहीं बोलो कितना, लास्ट दिन से है -3, लास्ट दिन इटे 6 छिलम ना, 2 - 5 करने से कितना आएगा -3 आएगा। लेकिन देखो यहाँ पर जो हम लोगों ने लिखा और यहाँ पर जो हम लोगों ने लिखा, वहां हमें 3 तो मिल रहा है, इधर भी हमें 3 मिल जाएगा, इधर भी हमें 3 मिल जाएगा, लेकिन क्या -3 इधर दिख रहा है हमें? नहीं, क्योंकि हम लोग जब काउंट करते क्या हमें कोई ऐसा सिखाता है -1 -2, लेकिन ऐसा नंबर भी तो हमें चाहिए, ठीक है? हमें ऐसा नंबर भी चाहिए। इसका कैटेगरी किस में आता है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर नंबर, जहां पर 1 2 3 4 5 रहेगा, 0 1 2 3 4 5 जैसा नंबर भी रहेगा, एज वेल एज माइनस वाला नंबर भी रहेगा, प्लस माइनस सारे नंबर्स रहेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे इंटीजर। बोलो मेरा बात समझ में आया? इंटीजर को कैसे याद रखेंगे, इंटीजर का मतलब है जहां पर हम लोगों को 0 मिलेगा, ठीक है,
वन मिलेगा, टू मिलेगा, थ्री मिलेगा, फोर मिलेगा, फाइव मिलेगा, एज वेल एज नेगेटिव वैल्यूज भी मिलेगा, जैसे कि -3, -4, ये सब भी मिलेगा. -3, -4 मैंने जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है समझाने के लिए, कुछ और भी हो सकता है माइनस में, मतलब प्लस माइनस रिलेटेड ये सब नंबर मिलेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीजर नंबर. मतलब एक इंटीजर नंबर वो क्या हो सकता है, होल भी हो सकता है और नेचुरल भी हो सकता है. তারপরে শূন্য আসার পর হোল নাম্বার হলো, মানে যেখানে জিরোটা ইন্টিজার নাম্বার, মানে যে নাম্বারটা পজিটিভ নেগেটিভ দুটোই, কারণ এখানে আমরা কোন নেগেটিভ নাম্বার পাচ্ছিলাম না, তাহলে নেগেটিভ নাম্বারকে কোন ক্যাটাগরিতে দেবো, কোন না কোনো ক্যাটাগরিতে তো দিতে হবে, তাহলে নেগেটিভ নাম্বারকে যে ক্যাটাগরিতে দেওয়া হলো, মানে যেখানে জিরো পজিটিভ আর নেগেটিভ তিন রকমই নাম্বার থাকবে, এখানে মেইনলি কি থাকছে, জিরো থাকছে, পজিটিভ নাম্বারস থাকছে আর নেগেটিভ নাম্বারস থাকছে, তাকে আমরা কি বলবো, ইন্টিজার নাম্বার. বোঝা গেল ইন্টিজার নাম্বার? আচ্ছা দেখো, যাহা পর জিরো ভি রহেগা, পজিটিভ নাম্বারস ভি রহেগা, নেগেটিভ নাম্বারস ভি রহেগা, উসকো হম লোগ ক্যা বোলেঙ্গে, ইন্টিজার নাম্বার বোলেঙ্গে, ঠিক আছে? আচ্ছা আব দেখো র্যাশনাল নাম্বার, ঠিক আছে? র্যাশনাল নাম্বার ক্যা হোতা হ্যায়? র্যাশনাল নাম্বার মতলব জিস নাম্বার কো হম লোগ পি বাই কিউ ফর্ম মে ডিফাইন কর পায়েঙ্গে, ঠিক আছে? র্যাশনাল নাম্বার কা মতলব হ্যায় জিস নাম্বার কো হম লোগ পি by q form में define कर पाएंगे, ठीक है? उसे हम लोग बोलते हैं, example दिया था, rational number का concept क्यों आया? जैसे कि देखो अगर 2 by 5 कर रहे हैं, कितना आएगा बोलो, 2 by 5 करने से तो हम मुख्य मुख्य को कैलकुलेट करते पर हमें देखिए दीजिए, 2 by 5 इधर कत हो, 0.4, তোমাদেরকে কিন্তু orally calculate করতে হবে, আপাতত আমি এখানে দেখাচ্ছি 0.4. আচ্ছা মুঝে এক চিজ বলো, क्या ये कहीं पर भी हमें ऐसा नंबर मिला? মানে আমি বলতে চাইছি কোথাও আমাদেরকে পয়েন্ট, মানে এটাকে ইংলিশে ডেসিমেল, বাংলাতে দশমিক বলে, আমরা এখন অব্দি যে যে ক্যাটাগরি নাম্বার গুলো দেখলাম সেখানে কোথাও আমরা দশমিক বা পয়েন্টের নাম্বার দেখেছি না, তাহলে ওরও তো একটা ক্যাটাগরি চাই, ঠিক আছে? তাহলে এটাকে আমরা কি বলবো, এটাকে আমরা কি বলবো, যেখানে এই পয়েন্টের নাম্বার গুলো আসছে সেগুলোকে আমরা কি বলতে পারি, র্যাশনাল নাম্বার, ঠিক আছে? র্যাশনাল নাম্বার পি বাই কিউ ফর্ম, আর র্যাশনাল নাম্বার ক্যা হো সকতা হ্যায়, জেসে কি মান লো 5/2 কিতনা হোগা, 2.5, ঠিক হ্যায়? अगर किसी नंबर को हम लोग ऐसे डिवाइड कर सकते हैं तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रैशनल नंबर, ठीक है? अच्छा आगे और भी डिटेल्स में पढ़ेंगे, अभी हम थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं, ठीक है? इसके बाद और एक नंबर भी मुझे लिखवाना था, लिखो तो इरैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, ठीक है? इरैशनल नंबर का जो मतलब इरैशनल नंबर जो होता है उसको हम लोग, ये देखो उसको हम लोग P by Q form में define तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक restriction होता है, ठीक है? इसको हम लोग जब details में पढ़ेंगे तब बताएंगे क्या होगा, ठीक है? अभी हम लोगों ने एक overview देखा कि हम लोग को पढ़ना क्या है, natural number मतलब जो बचपन में सीखते हैं, 1, 2, 3, 4, whole number का मतलब जिसमें जीरो इंक्लूड हो जाएगा, इंटीजर नंबर का मतलब हम लोग को जीरो मिल गया, 1, 2, 3, 4 मिल गया, लेकिन नेगेटिव नंबर नहीं मिल रहा था, तो हम लोग नेगेटिव नंबर भी जहां ले लेंगे वो कौन सा हो जाएगा, इंटीजर नंबर. रैशनल मतलब जहां पर हम लोग पॉइंट मिल जाएगा, और पॉइंट का मतलब जिसमें हम लोग वैल्यूज को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, पी बाई क्यू फॉर्म में. और इरैशनल मैंने अभी कुछ बोला नहीं है, हिंट्स भी नहीं दिया, वो हम करवाएंगे तभी बोल देंगे क्या होगा, ठीक है? अब ये सब को हम लोग एक एक करके डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है? अच्छा सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, देखो यहाँ पर नेचुरल नंबर हेडिंग कर, अब इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है? सबसे पहला नंबर जो नेचुरल नंबर लिखा था उसी को हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, नेचुरल नंबर, ठीक है? अच्छा नेचुरल नंबर को, नेचुरल नंबर का मतलब क्या पढ़ा हम लोगों ने, बोलो, पॉजिटिवली 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट करके, ठीक है? पॉजिटिव, ठीक है? तो इसका आप डेफिनेशन पूरा लिख लो, नेचुरल नंबर्स, इसमें से लेकिन थोड़ा थियोरिटिकली ज्यादा आएगा, ठीक है? कैलकुलेटिव थोड़ा कम रहेगा. नेचुरल नंबर्स को हम लोग एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन, कहीं पर भी अगर हमें कैपिटल एन बोल रहा है तो वो कौन सा नंबर है, नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स कैपिटल एन आर पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर्स दैट इज 1, 2, 3 and so 1 and so
होगा, ठीक है। मतलब नेचुरल नंबर्स को एन से डिफाइन करते हैं, यहाँ हम लोग को याद क्या क्या रखना है, हम लोग नेचुरल नंबर्स को किससे डिफाइन करेंगे, एन से, ठीक है। और ये सारे नंबर्स क्या होंगे, पॉजिटिव नंबर्स होंगे, और स्टार्ट कहाँ से होगा, वन से, और एंड कहां पर होगा नहीं पता क्योंकि अनकाउंटेबल है। हम लोग जितना चाहे नेचुरल नंबर्स को लाइन बाय लाइन 1 2 3 4 5 करके लिख सकते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, इसीलिए लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद लिखो, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, ये पहला पॉइंट हो गया। इट हैज टू बी नोटेड, इट हैज टू बी नोटेड, देयर इज नो ग्रेटर, देयर इज नो ग्रेटेस्ट, ठीक है, नो ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर्स, इस थोड़ा सा पेज बदलेंगे अगर लिख लियो तो, इट हैज टू बी नोटेड दैट देयर इज नो ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, फॉर एग्जाम्पल, लिखो फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, इफ वन इज एडेड टू एनी नेचुरल नंबर, वी गेट द नेक्स्ट हायर नेचुरल नंबर called its and the previous one is called one is called as predecessor, बताते क्या, पहले ये लिख लो फिर हम बता दें। लिखा होने गल अभी बोल ठीक है, चिक्की लिखा लो, ठीक है सर। अच्छा देखो क्या लिखा है मैंने, ये तो पहले पहले वाला तो समझा दिया, नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव नंबर, दैट इज 1 2 3 एंड सो वन एंड सो फोर्थ, ठीक है। मतलब स्टार्ट होगा वन से और उसके बाद चलता ही जाएगा और सब पॉजिटिव नंबर्स होता है नेचुरल नंबर्स में। फिर यहाँ पर क्या लिखा है, इट हैज टू बी नोटेड देयर इज नो ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, बोल रहा है ग्रेटेस्ट मतलब क्या, ग्रेटेस्ट माने ग्रेटर, ग्रेट ग्रेटर ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट माने की গুড বেটার বেস্ট কি হয়, গুড মানে ভালো, বেটার মানে দুজনের মধ্যে কম্পেয়ার করে কেউ একজন ভালো কেউ কম ভালো, বেস্ট মানে তাহলে গ্রেটেস্ট মানে সব থেকে বড়, ঠিক আছে। গ্রেটেস্ট মানে কি হয়, সব থেকে বড়, গ্রেটেস্ট কা মতলব কি হতা হয়, যে সবসে বড়া হতা হয় ইংলিশ মে, গ্রেট মেইন ওয়ার্ড কি হয়, গ্রেট উসকে বাদ কি হতা হয় গ্রেটার, উসকে বাদ কি হতা হয় গ্রেটেস্ট, ঠিক আছে। तो ग्रेटेस्ट मतलब जिससे बड़ा और कुछ भी नहीं है, यही लास्ट बड़ा है। लेकिन अगर किसी नंबर का एंड ही नहीं है तो क्या उसका कोई लास्ट नंबर हमें पता है जो सबसे ग्रेटेस्ट होगा। अगर हम लोग बोलेंगे कि 5 ग्रेटेस्ट है तो 5 के बाद तो 6 आ जाएगा, 6 ग्रेटेस्ट बोलेंगे तो उसके बाद क्या आ जाएगा, 7। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है देखो कि इट हैज टू बी नोटेड देयर इज नो ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर। हम लोग ये नहीं बोल सकते कि कौन सा ग्रेटेस्ट नेचुरल, लेकिन स्मॉलेस्ट बोल सकते हैं। स्मॉलेस्ट कौन सा है, लेकिन सबसे बड़ा नंबर हम लोग नहीं बोल सकते क्योंकि ये तो मतलब कंटिन्यूअसली चलता जा रहा है ना, इसका कोई एंड नहीं है। बोलो ये पॉइंट समझ में आया, हाँ ये पॉइंट पूछा गया जो सब थे छोटो नंबर एक ही हो, कारण এটা থেকেই শুরু, কিন্তু শেষ যেহেতু এর নেই সেইভাবে, কারণ এটা তো চলতেই থাকবে, সেজন্য এটার সব থেকে বড় ভ্যালুটা আমরা জানি না কি হতে পারে, ঠিক আছে। কারণ আমাদের কোনো কাউন্টিং এর এন্ড আমরা ওইভাবে বলতে পারবো না যে আমি 100 পর্যন্ত গুনবো, কারণ 100 পরেও তো নাম্বার আছে। আচ্ছা ফির কে বলা হয় দেখো, ফর এক্সাম্পল ইফ ওয়ান ইজ অ্যাডেড টু এনি ন্যাচুরাল নাম্বার, যে মানে আমি বলা জেসে আগর কোই ভি ন্যাচুরাল নাম্বার লে লো, জেসে ওয়ান, আব ওয়ান মে ওয়ান অ্যাড করোগে তো কিতনা আয়েগা, টু, ঠিক হে, টু মে ওয়ান অ্যাড করোগে তো কিতনা আ জায়েগা, থ্রি। তো ওয়াহি বল রাহা হে, ফর এক্সাম্পল ইফ ওয়ান ইজ অ্যাডেড টু এনি ন্যাচুরাল নাম্বার, উই গেট দ্য নেক্সট হায়ার ন্যাচুরাল নাম্বার, জেসে হি
किसी एक नेचुरल नंबर में वन ऐड हो जाएगा, कोई भी ले लो, जैसे 10 में 1 ऐड कर दोगे कितना मिलेगा 11, तो 10 पहला था, नेक्स्ट 11 आया, तो इसका मतलब हम लोगों को नेक्स्ट हायर नेचुरल नंबर कैसे मिलते जाएगा, बाय एडिंग 1 1 1। तो इसीलिए हम लोग ये नहीं बोल सकते कि ये मेरा ग्रेटेस्ट है, इसके बाद कोई और आ जाएगा। हाँ, लेकिन यहाँ पर हमें क्या सीखने को मिला, एक बात यहाँ पर देखो, कॉल्ड इट सक्सेसर, मतलब अगर हम लोग 5 लेते हैं, 5 में 1 ऐड करते हैं कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है, तो 5 क्या है और 6 क्या है, अच्छा अब 6 में 1 ऐड करूं कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, मतलब बेसिकली हम लोग का नंबर क्या हुआ 5 6 और 7, मैंने ये 3 एग्जांपल लिया, ठीक है। तो हम लोग इस नंबर के पहले नंबर को क्या बोलेंगे, मैंने आगे जेटा अच्छे 5 और पौरे जेटा अच्छे सेटा के केवल 7, बाद में जो है उसे 7 बोलेंगे। अब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, देखो क्या बोला है, फॉर एग्जाम्पल इफ वन इज एडेड टू एनी नेचुरल नंबर वी गेट द नेक्स्ट हायर नेचुरल नंबर कॉल्ड इट सक्सेसर, मतलब 5 का सक्सेसर कौन है 6, ठीक है, और यहाँ पर एंड द प्रीवियस वन इज कॉल्ड प्रीसीडर्स, ठीक है, मतलब 6 का प्रीसीडर्स कौन है 5, माने जेमन बाड़ीते दादू ठाकुमा बाबा मा तारपर आमरा, ठीक आछे, ताहले बाबा मायर आगे जेनारेशन के दादू ठाकुमा आज बाबा मायर परेर के आमरा, ठीक आछे, ताहले आमरा कि होलाम सक्सेसर, আমরা ওটাকে নিয়ে চলছি, ঠিক আছে, আর দাদু ঠাকুমা কি হয়ে যাবে প্রিসিডার্স। वैसे ही जो आगे का नंबर है वो इसके साथ अगर हम लोग कंपेयर करें कि 6 का आगे का नंबर कौन है 5, तो 5 कौन हो गया प्रीसीडर्स, 6 का प्रीसीडर्स हो गया, और 7 जो है वो 6 का क्या हो जाएगा सक्सेसर्स हो जाएगा, ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं 5 का सक्सेसर कौन है 6, ठीक है, लेकिन 5 का क्योंकि यहाँ मैंने कुछ नहीं लिखा है तो इसका प्रीसीडर्स कुछ नहीं आ रहा, ठीक है, तो समझ में आ गया। अगर 6 से कंपेयर करेंगे 7 को देखेंगे तो ये कौन हो गया सक्सेसर, और ये कौन हो जाएगा, ठीक है, आगे मैंने आगे नंबर एडजस्ट कर पौरे। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया, ये पूछा था तो अच्छा, अब हम लोग इसके नीचे लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, ये वाला लिखना चाहो तो एग्जांपल लिख सकते हो, अपने समझने के लिए कभी भी काम आएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट लिखो, 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ नेचुरल नंबर्स, लिखो 4 फंडामेंटल्स ऑपरेशंस ऑफ नेचुरल नंबर्स आर, ठीक है, मेन 4 जो फंडामेंटल ऑपरेशंस है नेचुरल नंबर्स का वो कैसे होता है, 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस क्या क्या हो सकता है, ऑपरेशंस माने लास्ट दिन ही बोले चलो प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिविजन, ठीक है, तो 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस माने हमरा यदि नेचुरल नंबर से प्लस करी, नेचुरल नंबर्स दिए माइनस करी, नेचुरल नंबर्स दिए मल्टीप्लीकेशन करी बा डिविजन करी, ताले हमें की होबे, ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर लिख लो एडिशन, यहाँ पर हमें 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस यानी क्या क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है एडिशन, अगर हम लोग एडिशन करते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, फाइंडिंग द सम, ठीक है, तो हम लोग सम यानी टोटल फाइंड आउट करके करते हैं, जिसके लिए ऑपरेटर कौन सा यूज करते हैं, ये वाला साइन यूज करते हैं, ठीक है, इसको हम लोग ना बोलते हैं ऑपरेटर, जिसके थ्रू से हम लोग ऑपरेट करें, ये साइन के थ्रू से हम लोग ऑपरेट करते हैं। फिर हम लोग क्या देखेंगे सबट्रैक्ट, ठीक है, सबट्रैक्ट, सबट्रैक्ट का मतलब फाइंडिंग द डिफरेंस, ठीक है, फाइंडिंग द डिफरेंस, और इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ये वाला ऑपरेटर, ये ऐसे माइनस साइन, ठीक है, ये तो पता ही है तुम लोगों को, सब्ट्रैक्ट हो गया, अच्छा सब्ट्रैक्शन लिख दो, ठीक है, एडिशन लिखा है ना तो सब्ट्रैक्शन लिख दो, और इस पे लिखो मल्टीप्लीकेशन, नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन में फाइंडिंग
प्रोडक्ट, ठीक है, जैसे ऐड करने से बोलते क्या निकाला, सम निकाला, माइनस करने से बोलते क्या निकाला, डिफरेंस निकाला, वैसे ही मल्टीप्लीकेशन करने से हम लोग बोलते हैं क्या निकाला, प्रोडक्ट निकाला, और इसके लिए कौन सा हम लोग साइन यानी कि ऑपरेटर को यूज करते, ये ऐसा, ठीक है, ऐसा साइन। अच्छा नेक्स्ट लिखो डिवीजन, डिवीजन का क्या हो जाएगा, फाइंडिंग द कोसेंट, ठीक है, लास्ट दिन हम लोगों ने देखा था ना डिविडेंड कोसेंट, ये क्या होता है, ठीक है, कोसेंट माने जो भागफल, तो ये देखो क्यू यू ओ टी आई ई एन टी कोसेंट, इसके लिए हम लोग कौन सा साइन यूज करते हैं, डिवाइड वाला साइन, ठीक है, इसके लिए हम लोग डिवाइड वाला साइन यूज करते हैं। अच्छा ठीक है, अब देखो हम लोग इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, अगर एडिशन करते हैं दो नेचुरल नंबर का तो हम लोगों का क्या आंसर होता है, ठीक है, मतलब इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है, ठीक है, तो यहाँ पर लिख के दिखाते हैं। देखो अगर हम लोग एडिशन कर रहे हैं, ठीक है, एडिशन कर रहे हैं दो नेचुरल नंबर्स का, जैसे कि मान लो कोई भी दो नेचुरल नंबर लो, नेचुरल नंबर अभी अभी सिखा है तुम लोग का क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लो, जैसे मान लो 12 + 5 कर दिया कितना आएगा 17, कुछ और ले लो लाइक 2 + 3 कर लो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो मुझे एक चीज बोलो ये भी नेचुरल नंबर है ये भी नेचुरल नंबर है और आंसर जो आ रहा है वो कैसा नेचुरल नंबर, ठीक है, पॉजिटिव तो आ रहा है लेकिन अभी हम लोग नेचुरल नंबर के रेस्पेक्ट में सोचेंगे, तो हम लोग बोल सकते हैं कि दो नेचुरल नंबर को ऐड करने से आंसर क्या आता है नेचुरल नंबर, तो इस पे लिखो, इस एडिशन के ऊपर अगर जगह रखा है तो लिखो, नहीं रखा है तो कोई बात नहीं बाद में लिखवा देते हैं, यहाँ पर लिखो कि एडिशन नीचे लिख दो अगर ऊपर जगह नहीं रखे हो तो, ठीक है, एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स अगेन यील्ड ए नेचुरल नंबर, ठीक है, यील्ड माने पावा, yield মানে কিছু না পাওয়া মানে আমরা যে আনসারটা পাবো সেটা আমাদের কি আসবে ন্যাচারাল নাম্বারসই আসবে, ঠিক আছে, মানে আমরা যদি দুটো ন্যাচারাল নাম্বারসের অ্যাডিশন করি তাহলে আমাদের আনসার কি আসবে ন্যাচারাল নাম্বারই আসবে, অন্য কোনো নাম্বার আসবে না, ঠিক আছে। আচ্ছা আব ইয়ে ক্যা কোই দুসরে জায়গা পে ভি সেম অ্যাপ্লিকেবল হোগা দেখতে হ্যায়, জেসে কি সাবট্র্যাকশন, अच्छा सब्ट्रैक्शन ऊपर ऐसे जगह रख दो तो तुम लोग लिख सकते हो, जैसे सब्ट्रैक्शन बोलो मुझे कोई भी दो नेचुरल नंबर लेके उसका सब्ट्रैक्शन बोलो, कोई भी दो नंबर बोलो नेचुरल, 8 - 2 कितना आएगा 6, अच्छा और कुछ बोलो 18 - 9 कितना आएगा 9 आएगा, अच्छा अब कुछ रिवर्स बोलो, जैसे कि ये बड़ा नंबर ये छोटा नंबर है, अब तुम लोग कुछ रिवर्स बोलो, पहले बड़ा नंबर फिर छोटा नंबर बोलो, कुछ भी बोलो, पहले तो सही 5 आके बड़ो बोलो, 5 - অন্য কিছু বলো, মানে 5 - 5 এর থেকে বড় কিছু বলো, 5 এর থেকে বড় যে কোনো নাম্বার বলো, 8 কত, 8 - 9, হ্যাঁ এই দেখো 8 - 9 আমি এটাই জানতে চাইছি, 8 - 9 তাহলে आंसर কি হবে, आंसर কি হবে -1, ঠিক है -1 हो गया। अच्छा और भी देखो, जैसे हम लोग अगर 5 - 12 कर देते हैं तो कितना आएगा -7 आएगा, ठीक है, -7। अच्छा अब मुझे बोलो ये दो नेचुरल नंबर था, ये भी दो नेचुरल नंबर था, ये भी दो नेचुरल नंबर था, ये भी दो नेचुरल नंबर था, हम लोगों ने माइनस किया, ठीक है, ये जो आंसर आया क्या ये नेचुरल नंबर है, हाँ है, क्या ये जो आंसर आया ये नेचुरल नंबर है, हाँ है, ये जो आंसर आया नेचुरल नंबर है, नहीं, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव है और नेगेटिव नंबर किसमें कवर होता है, इंटीजर वाले में, ठीक है, तो इसका मतलब ये नेचुरल नंबर नहीं आया, यानी सब्ट्रैक्शन अगर हम लोग दो नेचुरल नंबर का करते हैं तो आंसर मेरा नेचुरल नंबर भी आ सकता है या नहीं भी आ सकता है, ठीक है, ये सब तुम लोग को थियोरिटिकली याद रखना पड़ेगा, तो इसके ऊपर लिख दो कि सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नेचुरल नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ two natural numbers may or may not yield, may or may not मतलब मिल भी सकता है, ऐसा नहीं बोलेंगे कि मिलता ही नहीं है, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, क्या natural number, subtracting of two natural numbers may or may not yield a natural number, ठीक है,
बोलो समझ में आ गया कि अगर हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे तो दो नेचुरल नंबर्स का, तो हमारा आंसर नेचुरल नंबर हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा अब थर्ड वाला, थर्ड हम लोग मल्टीप्लीकेशन वाला करते हैं, ठीक है। अब हेडिंग करो मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। इसमें भी ऊपर ऐसे जगह रख दो। अब तुम लोग कोई भी दो नेचुरल नंबर बताओ जिसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 12 × 2 कितना? 24। দু নম্বর হ্যাঁ বলো, দু নম্বরের একটু স্ক্রিনটা দেখানো গো। হ্যাঁ ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। 5 × 6 হ্যাঁ লিখতে পারো, कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग दो दो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? नेचुरल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। दो नेचुरल नंबर को मल्टी, अब तुम लोग अगर बोलोगे कि हम 12 × -1 कर देते हैं तो मुझे तो -12 मिल जाएगा, ऐसा तुम लोग बोलोगे। लेकिन मुझे बोलो 12 नेचुरल नंबर है, लेकिन क्या -1 नेचुरल नंबर है? नहीं, हम तो नेचुरल नंबर का बात करें, तो ये एग्जाम्पल वैलिड नहीं होगा, ठीक है। बात समझ में आया? ये मत सोचो कि यहाँ मैंने माइनस क्यों नहीं दिया, क्योंकि हम लिख नहीं सकते ना यहाँ माइनस, क्योंकि हमें तो नेचुरल नंबर देखना है। तो मल्टीप्लीकेशन के केस में तुम लोग कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लो, कुछ भी ले लो, 1 × 7 ले लो, कुछ भी ले लो, तुम लोग का आंसर क्या आने वाला है? नेचुरल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही एडिशन के तरह लिख लो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नेचुरल नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नेचुरल नंबर्स अगेन yield a natural number. अगर हम लोग दो नेचुरल नंबर का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें हमेशा क्या मिलेगा? नेचुरल नंबर्स ही मिलेगा। तो यहाँ पर तुम लोग एग्जाम्पल के लिए कभी मैं माइनस डेटा नहीं ले सकते, क्योंकि हम लोग नेचुरल नंबर का ऑपरेशन का चेक कर रहे हैं। और फोर्थ नंबर पे हम लोग लिखेंगे डिविजन, फोर्थ नंबर पे लिखेंगे डिविजन, ठीक है। अच्छा, तो तुम लोग कोई भी दो नेचुरल नंबर का डिवीजन करके देखो, कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लो, जैसे मान लो 12 / 6 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर हम लोग ऐसे कर देते हैं 6 / 12 तो वही कितना आ जाएगा? ना 1/2, ना 1/2 यानी कितना हो जाएगा? 0.5 होगा। बोलो 0.5 आएगा कि नहीं? हाँ, तो देखो मैंने दो नेचुरल नंबर लिए, ठीक है, उसका डिवाइड किया, मेरा आंसर क्या आया? नेचुरल नंबर। मैंने फिर दो नेचुरल नंबर लिया, लेकिन उसका आंसर क्या आ गया? मेरा डेसिमल में आ गया। तो डेसिमल में आ गया तो ये मेरा रैशनल नंबर हो गया 1/2। तो इसका मतलब डिवीजन के केस में हमें क्या बोला जा रहा है कि अगर हम लोग कोई भी दो नेचुरल नंबर का डिवीजन करने जाते हैं तो हमें नेचुरल नंबर मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, मतलब सेम एज सब्ट्रैक्शन, ठीक है। एडिशन और मल्टीप्लीकेशन का रूल्स बराबर है कि अगर एडिशन करेंगे तो नेचुरल नंबर का हमें नेचुरल नंबर ही मिलेगा, मल्टीप्लीकेशन करोगे तो नेचुरल नंबर का मल्टीप्लीकेशन ही मिलेगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। जस्ट लाइक डिविजन में भी वही होगा, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। तो इस बात का लिख लो तुम लोग, डिविजन ऑफ टू नेचुरल नंबर्स may or may not yield a natural number. तो subtraction जो है may not yield a natural number, ठीक है। इसमें हमें natural number मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। लिख लिया। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब हम लोग ये वाला पढ़ लिए, ये जो था, ठीक है। अब इसके बाद इस ये सब फोर्थ पॉइंट के नीचे और एक पॉइंट लिखो, ठीक है, और एक पॉइंट हम लोग लिखेंगे। लिखो कि टू नेचुरल नंबर्स कैन बी एडेड एंड मल्टीप्लाइड
मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर, इन एनी ऑर्डर एंड द रिजल्ट इज ऑलवेज सेम, इज ऑलवेज सेम फुल स्टॉप. दिस डज नॉट होल्ड फॉर, दिस does not hold for subtraction and division of natural numbers, natural numbers. अच्छा ये वाला क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर देखो बोल रहा है कि टू नेचुरल नंबर्स कैन बी एडेड एंड मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर. पहले ये समझ लो, मतलब अगर हम लोग 2 + 3 करते हैं तो भी हमें कितना मिलेगा 5, और अगर हम लोग 3 + 2 करते हैं तो भी हमें कितना मिलेगा 5, अगर हम लोग 2 × 3 करेंगे कितना मिलेगा 6, अगर इसी को 3 × 2 लिख देंगे तो कितना मिल जाएगा 6. तो वही बोल रहा है कि टू नेचुरल नंबर्स, ये भी नेचुरल नंबर्स है, कैन बी एडेड एंड मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर एंड द रिजल्ट इज ऑलवेज सेम. किसी भी तरीके से लिखो आंसर सेम ही आएगा. इसमें भी 5 आया, इसमें भी 5 आया, इसमें भी 6 आया, इसमें भी 6 आया, लेकिन ये सब्ट्रैक्शन के केस में होल्ड नहीं करता है. जैसे कि 2 - 3 करेंगे -1 आता है, वहीं पर अगर 3 - 2 करेंगे तो +1 आता है. डिविजन के केस में अगर 2 / 3 करोगे तो कितना आएगा, एक काम करते हैं हम इसको 5 कर लेते हैं तो फिर मुझे करने में आसानी रहेगा. 2 / 10 कर लेते हैं, ठीक है, और एक 10 / 2 करते हैं. बोलो 10 / 2 तो तुम लोग इजीली बोल दोगे कितना होगा, 5 होगा, ठीक है, और 2 / 10 कितना होगा, 1/5 होगा, ठीक है, तो 1/5 होगा. तो यहाँ पर देखो वही चीज भी बोल रहा है कि अगर हम लोग इसमें ऑर्डर को चेंज करते हैं, पहले 2 बाद में 3, अगर इसी को चेंज कर देते हैं तो सेम आंसर नहीं मिलता है. वैसे भी ये नेचुरल नंबर तो है नहीं, लेकिन ये भी एक कंसेप्ट बोल रहा है कि ऑर्डर चेंज होने से मल्टीप्लीकेशन और जो हम लोग का एडिशन है वो सेम ही आंसर देगा, बट डिविजन और सब्ट्रैक्शन हमें सेम आंसर नहीं देगा. इसीलिए तो इसमें वो वाला प्रॉपर्टी भी एप्लीकेबल हो गया ना, कि अगर 2 नेचुरल नंबर्स का एडिशन या मल्टीप्लीकेशन करोगे तो नेचुरल नंबर ही होगा. ये तभी पॉसिबल हो रहा है ना, क्योंकि ऑर्डर बदलने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं. और यहाँ पर एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में ये वाला कंसेप्ट भी वैलिड होगा कि ऑर्डर चेंज मैटर नहीं करता है, यहाँ ऑर्डर चेंज मैटर करेगा. और यहाँ पर एडिशन करने से हमेशा एडिशन के केस में 2 नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर आएगा, और 2 मल्टीप्लीकेशन में 2 नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर आएगा, लेकिन डिविजन में और माइनस में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है. बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ, एक अनुपति बुझा गया. अच्छा अच्छा, नेक्स्ट देखो हम लोग यहाँ पर और एक पॉइंट लिखते हैं, ठीक है. ये तो एक पॉइंट सीखा हम लोगों ने, इसके बाद और एक पॉइंट है. द नेचुरल नंबर्स, द नेचुरल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन, रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन एज टोन बिलो, ठीक है. अगर हम लोग नंबर लाइन से नेचुरल नंबर को दिखाना चाहे तो कैसे होता है, ठीक है. नंबर लाइन का मतलब क्या होता है, जैसे तुम लोग बचपन में सीखे होगे, ऐसा एक लाइन होता है, इसमें हम लोग नंबर्स को लिखते हैं. हम लोग कौन से नंबर को लिखना चाहते हैं, नेचुरल नंबर्स को. तो कहाँ से शुरू करेंगे, 1, तो ऐसे लिख सकते हैं पहला 1, उसके बाद क्या आ सकता है, 2, 3, 4, ठीक है. ऐसे करके जितना तुम लोग लिखना चाहो, जितना बड़ा तुम लोग लाइन ड्रॉ किए उतना लिख लो, एक एक गैप देके 7, 8. अब इसके बाद डॉट डॉट दे दो, ठीक है, क्योंकि ये तो चलता जाएगा, खत्म नहीं होगा, ठीक है, ये चलता जाएगा. अब किसी भी एक नंबर को ले लो, उस नंबर के अगर इस साइड में आएंगे तो कौन सा नंबर मिलेगा हमें, हाँ, प्रिसीडर्स, और इधर जाएंगे तो क्या मिलेगा, सक्सेसर्स, ठीक है. तो ऐसे कर लो, कोई भी नंबर उठाओ, कोई भी नंबर ले लो, अगर हम लोग इधर जाते हैं, ठीक है, ऐसे एरो लगा लो राइट साइड में, ठीक है. अगर कोई भी नंबर के हम लोग राइट साइड में मूव करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा उस नंबर का, SUCCESSOR, ठीक है. और अगर हम लोग उसी नंबर के लेफ्ट में जाएंगे, कोई भी नंबर उठा लो, उसी नंबर के अगर हम लोग लेफ्ट साइड में जाएंगे,
लेफ्ट साइड में जाएंगे तो हम लोग को मिलता है प्रिसिडर्स। प्रीडिसर्स, शायद मैंने थोड़ा सा स्पेलिंग गलत बता दिया, एक सेकंड। हमने यहाँ प्री प्री डिसर्स, PREDECESOR ये लिखना है, ठीक है? PREDECESOR ये स्पेलिंग होता है प्रीडिसर्स, ठीक है? प्रीडिसर्स। अच्छा नेक्स्ट देखो, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है? इधर जाने से क्या होगा और ये क्या होगा, ठीक है? चलो अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल नंबर के बारे में। हम लोगों को जितना पढ़ना था हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट कौन सा पढ़ेंगे? होल नंबर, ठीक है? अब नेक्स्ट हेडिंग करो होल नंबर, पॉइंट टू होल नंबर। अच्छा होल नंबर हम लोग का क्या था? नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, ठीक है? तो लिखो होल नंबर डू नॉट इंक्लूड एनी फ्रैक्शन, ठीक है? क्या इंक्लूड होगा वो तो हमें पता है, नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, ठीक है? लेकिन क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा? कोई फ्रैक्शंस नहीं आ सकता है। फ्रैक्शंस का मतलब जैसे कि देखो 2/3, 4/9, इस तरीके का कोई डेटा नहीं आ सकता है, ठीक है? होल नंबर में क्या होगा? फ्रैक्शंस नहीं आएगा, नेगेटिव नंबर भी नहीं आना चाहिए। नेगेटिव नंबर्स और डेसिमल्स, डेसिमल्स माने दशमी, माने पॉइंट दिए जे नंबर, पॉइंट वाला नंबर नहीं आ सकता। डेसिमल का मतलब जैसे मान लो 2.5, ऐसा नंबर होल नंबर नहीं होगा, ठीक है? कोई नेगेटिव नंबर है जैसे कि मान लो -3, तो वो भी नहीं आएगा, ठीक है? कोई भी नेगेटिव नंबर, कोई फ्रैक्शनल नंबर है, ये कुछ भी हमारा होल नंबर नहीं होगा। अच्छा होल नंबर को किससे डिनोट किया जाता है? नेचुरल नंबर को हम लोग किससे, हाँ एन से, तो होल नंबर को डब्ल्यू से डिनोट करेंगे, ठीक है? अच्छा अब क्योंकि यहाँ पर जीरो आ गया, देखो इसके अंदर नेचुरल नंबर्स का फीचर्स था, क्योंकि इसमें जीरो आ गया तो क्या चेंजेस हुआ वो हम लोग देखेंगे। मतलब होल नंबर के अंदर ये सब एप्लीकेबल हो जाएगा, ये सब होगा, क्यों? क्योंकि होल नंबर में क्या इंक्लूड होता है? नेचुरल। तो नेचुरल का जो फीचर्स है वो होल पे भी एप्लीकेबल होगा, लेकिन जीरो आने की वजह से इसका क्या चेंजेस हुआ? क्योंकि ये पार्ट तो इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है? এটা তো এতে ইনক্লুড আছে, তাহলে এর এই ফিচারস গুলো তো থাকবে, কিন্তু জিরো আসার জন্য কি এক্সট্রা ফিচারস হলো সেটা আমরা দেখব, ঠিক है? তো জিরো আনে সে হম লোক কা ক্যা এক্সট্রা হো রা হ্যায় ও হম লোক দেখেঙ্গে। তো লিখো নেক্সট ইয়াহ পর দ্য নাম্বার জিরো হ্যাজ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, ठीक है? तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि जीरो का क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ठीक है? तो जीरो का प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या क्या है। ए एक कोई नंबर है, इसमें अगर हम लोग जीरो ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? संख्या की तो बेपर संख्या, तुम्हें ए टाके की छोटे संख्या भेबे ना, जेटा हवे सेटाई एर आंसर बोलो तो की हवे এই হবে। তোমরা এটাকে কোন একটা সংখ্যা ভেবে নাও, 2+0, তাহলে তোমাদের কি আসবে? যদি 2 আসে তাহলে এ প্লাস জিরো করলে কি আসবে? এই আসবে, আমাদের সংখ্যা কমই দেবে, এইভাবেই আমাদেরকে দিতে পারে, ঠিক আছে? সংখ্যা দিলে তো খুব সহজ হয়ে যাবে না ব্যাপারটা। তো আমলোকো কি মিলেগা? এ মিলেগা, ঠিক আছে? আচ্ছা আব अगर हम लोग जीरो प्लस ए करते हैं, हम इधर लिख रहे हैं, तो भी हमें क्या मिलेगा? ए मिलेगा। मतलब मैंने ना इधर उधर लिख के दोनों साइड से दिखा दिया, अगर ए प्लस जीरो करोगे तो भी क्या मिलेगा? ए मिलेगा। अगर जीरो प्लस ए करेंगे तो भी क्या मिलेगा? ए मिलेगा। मैंने ए को मिडिल में रख दिया, ठीक है? अच्छा अगर ए माइनस जीरो करते हो बोलो क्या मिलेगा? ए माइनस जीरो, ए के कोनो एकटा संख्या भावो ना, ताली तो हो जाबे। ए ना भेबे तुम मन मन संख्या भाव, এই তো হবে 2-0। এটা এ কে যদি তুমি এন, আমি তো বলছি তুমি মনে মনে যে কোনো সংখ্যা ভাবো, 3-0 কি শূন্য হবে? যদি শূন্য না হয় 3 হয়, তো তুমি 3 কে মানছো, তাহলে তোমার এই হবে। আমি তো ওটাই বলছি, মনে মনে ভাবো যে এ কে যে কোনো একটা সংখ্যা হবে, তো এ মাইনাস জিরো কে হয়ে যাবে হম লোক কা এ হবে। বাট ইয়াহা পর জিরো মাইনাস এ করনে সে কিতনা আয়েগা? माइनस ए। जीरो माइनस ए करने से क्या आ जाएगा? माइनस ए। ये फीचर्स हम लोग समझ रहे हैं। ए प्लस जीरो में ए होता है, जीरो प्लस ए में भी ए होता है, ए माइनस जीरो में ए होता है, जीरो माइनस ए करने से लेकिन हो जाता है माइनस ए, ठीक है? अच्छा अगर ए इंटू जीरो करते हैं तो कितना आता है? जीरो आता है, ठीक है?
और अगर हम लोग जीरो इंटू ए करेंगे तो कितना आएगा, तो भी लेकिन हम लोग का जीरो ही आएगा, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। ये दोनों का आंसर सेम है, ये दोनों का आंसर सेम है, अगर हम लोग जीरो इंटू ए करेंगे तो भी हम लोग का जीरो आएगा। अच्छा, अब अगर नंबर से समझना है तो भी समझ लो, लाइक देखो अगर नंबर से समझना चाहते हैं हम लोग वो भी कर सकते हैं, पहले ये समझ लिए। जैसे कि 5 + 0 करोगे कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। अगेन अगर 0 + 5 करोगे कितना आएगा, 5 ही आएगा, ठीक है, ये मैंने प्लस वाला समझा दिया। अच्छा, अगर 5 - 0 करोगे कितना आएगा, 5 आएगा, लेकिन अगर 0 - 5 कर लोगे तो कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। अच्छा, 5 × 0 कर लोगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 × 5 कर लोगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। नंबर से समझ ली, एक ही बात है, नंबर से समझो या इससे, लेकिन चांसेस ज्यादा है कि हमें ए बी दे दे, क्योंकि ये तो आसान होगा ना, ये तो कोई भी कैलकुलेट कर लेगा, तो ये मेन चीज है समझ लो। तो यही मैंने लिखवाया, नंबर से लिखवा दिया, ठीक है। अच्छा, अब डिवीजन वाला देखते हैं, ठीक है। डिवीजन के केस में क्या होगा, डिवीजन बाय जीरो, अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं ए डिवाइडेड बाय जीरो, ठीक है, तो कितना होगा, और जीरो डिवाइडेड बाय ए लिखेंगे तो कितना होगा। चलो पहले तुम लोग नंबर से ही बता दो, अगर मैंने कर दिया 5 / 0 तो कितना होगा, और 0 / 5 कर दिया तो कितना, এটা লাস্ট দিনই তো এগুলো শিখেছি, বলো কোনটা জিরো হবে, বলো এইটা না এটা না, দুটোই জিরো হবে, ভালো করে দেখো, এটা মানে কিন্তু 5/0 আর এটা মানে কিন্তু 0/5, লাস্ট দিন শিখলাম না, আমি এটা 5 জিরো দিয়ে ভাগ করলে 5 কি করে হবে, 0 5/0 মানে তো শূন্যের নামটা ডাকতে হবে, শূন্যের কি নামটা হয়, প্রথমেরটা আনডিফাইন্ড হবে, লাস্ট দিন তোমাদেরকে দেখো ক্যালকুলেটার আমি দেখিয়েছিলাম, যদি আমরা করে দিই 5/0 ক্যালকুলেটার বলবে ইনভ্যালিড ইনপুট, এটা তোমাদের দেখিয়েছিলাম, ক্যান নট ডিভাইড বাই জিরো, আনডিফাইন্ড, আনডিফাইন্ড মনে পড়ছে, 0/0 আনডিফাইন্ড, লাস্ট দিন এখানে আমার পিডিএফটা নেই, লাস্ট দিন আমরা যখন ক্যালকুলেশন গুলো করছিলাম আনডিফাইন্ড কথাটা পড়িনি, 0/0 আনডিফাইন্ড হয়, আর সামথিং ডিভাইডেড বাই জিরো কি হয়, আনডিফাইন্ড, আনডিফাইন্ড মানে এটা এখনো ম্যাথসে ডিফাইন করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি, কি কোনো ডেটাকে জিরো দিয়ে ভাগ করলে কিছু পাওয়া যায় না, ঠিক আছে, এখনো এটা আইডেন্টিফাই হয়নি, ঠিক আছে। তো ইয়ে দেখো, ইসকো হমলোগ বলতে আনডিফাইন্ড, মতলব বেসিক্যালি আগর 5 / 0 কর রহে হো তো ইসকো হমলোগ ক্যা বলেঙ্গে, আনডিফাইন্ড, ঠিক হ্যায়, ইয়ে হমলোগ ডিফাইন নেই কর সকতে হ্যায়, লেকিন 0/5 ডিফাইন কর সকতে হো, ইয়ে দেখো 0/5 মতলব এসে হো জায়েগা না, 5 0 0, ঠিক হ্যায়, ইসকা আনসার 0 হোগা, ইয়ে 0 হোগা, ठीक है। तो यहाँ पर उसी के हिसाब से a डिवाइडेड बाय 0 का देख लो, ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, ठीक है, और 0 डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसका कंक्लूजन एक लिख लो, डिवीजन के केस में तुम लोग भूल जा रहे हो बार बार, तो डिवीजन बाय 0, डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, क्या लिखा है मैंने, डिवीजन बाय 0, बाय 0 का मतलब नीचे जीरो आएगा, जैसे a by 0 मतलब नीचे अगर जीरो आता है, मतलब डिनोमिनेटर में अगर जीरो आता है, যেটাকে এটাকে কি বলে লব, বাংলাতে এটাকে বলে হল, আর ইংরেজিতে বলে নিউমারেটর ডিনোমিনেটর, अगर डिनोमिनेटर मेरा जीरो आ जाता है तो वो ऑलवेज नॉट डिफाइंड होता है, न्यूमरेटर जीरो आने से चलेगा, न्यूमरेटर जीरो आएगा तो आंसर जीरो होगा, ठीक है, और डिनोमिनेटर जीरो आने से क्या होगा, अनडिफाइंड, और 0/0 होने से भी क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, ठीक है। ये हम लोगों ने लास्ट दिन जब हम लोग मल्टीप्लीकेशन डिविजन पढ़ रहे थे तो पढ़ा था, ठीक है, तो यहाँ पर भी यही चीज एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अगर डिविजन बाई जीरो, बाई जीरो का मतलब है कि ऐसा बाई जीरो, यहाँ कुछ भी नंबर रहेगा, ये ऐसे करने से होता है हम लोग का अनडिफाइंड। अच्छा, नेक्स्ट लिखो, अब हम लोग जैसे यहाँ पर 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन इंटीजर पढ़े थे ना, वैसे 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर पढ़ेंगे, सॉरी इंटीजर बोल रहे, नेचुरल नंबर में पढ़े थे, वैसे हम लोग होल नंबर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखो 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस can be performed on whole numbers also as in the
केस ऑफ नेचुरल नंबर्स, ब्रैकेट में लिखो, विथ रेस्ट्रिक्शन फॉर restrictions for subtraction and division, ठीक है, फिर ब्रैकेट को कर लो एक बार क्लोज. अच्छा देखो यहां पर मैंने क्या लिखा है, फोर फंडामेंटल ऑपरेशंस, मतलब कौन सा ऑपरेशंस का बात हो रहा है यहां पर, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिविजन, ठीक है, ये चार ऑपरेशंस जो कि फंडामेंटल ऑपरेशंस होता है, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, आज भी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया फंडामेंटल ऑपरेशंस का मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन, कैन बी परफॉर्म्ड ऑन होल नंबर्स ऑल्सो. बोल रहा है होल नंबर का भी एडिशन हो सकता है, होल नंबर का भी माइनस हो सकता है, होल नंबर का भी मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, होल नंबर का भी डिविजन हो सकता है. अभी तो दिखाया हम लोगों ने, ठीक है, होल नंबर का ये सब हो सकता है. क्यों नहीं होगा, क्योंकि होल में तो इंटीजर इंक्लूडेड है, तो इंटीजर पे अगर ये सब हो सकता है तो होल नंबर पे भी हो सकता है. Also, as in the case of natural number, जैसे natural number पे होता है, लेकिन natural number में जो restriction है, subtraction और division पे, same इस पे भी वही वाला applicable होगा. जैसे मुझे एक चीज बोलो, अगर हम बोल रहे हैं one, तो ये मेरा natural number भी है और ये मेरा whole number भी है. हाँ कि नहीं, अगर हम बोलेंगे टू तो ये मेरा नेचुरल नंबर भी है, ये मेरा होल, लेकिन अगर हम बोलेंगे जीरो तो ये मेरा कौन सा नंबर है, सिर्फ और सिर्फ होल नंबर. और देखो जीरो के लिए जो चेंजेस होगा, जीरो के लिए जो चेंजेस होगा वो तो मैंने दिखा दिया. जीरो में क्या हो रहा है, अगर हम लोग दो होल नंबर का एडिशन कर रहे हैं, ये देखो दो होल नंबर का एडिशन कर रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है, होल नंबर मिल रहा है, ठीक है, ऑर्डर चेंज करने से भी होल नंबर मिल रहा है, लेकिन माइनस में नहीं हो रहा है. देखो माइनस के केस में क्या हो रहा है, अगर हम लोग दो होल नंबर, एक फाइव है एक जीरो है, दो होल नंबर का माइनस करने से क्या मिल रहा है, होल नंबर मिल रहा है फाइव, लेकिन जीरो माइनस फाइव कर देने से क्या हो जा रहा है, माइनस फाइव मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर तो हमें नेगेटिव नंबर नहीं चाहिए, इसीलिए विथ रेस्ट्रिक्शन लिखा है. मतलब जो रेस्ट्रिक्शन नेचुरल नंबर में था, सेम वही रेस्ट्रिक्शन हमारा यहाँ पर भी होल नंबर में हो रहा है. माने हम इटा बोलते जाए छी, जेहेतु होल नंबर इंक्लूड करछे जीरो आर एखाने आमी लिखते पारि जीरो आर नेचुरल नंबर, ठीक है, जीरो आर नेचुरल नंबर मिलिए कि हबे होल नंबर, ঠিক আছে, তো ন্যাচারাল নাম্বারের যে ফিচার্স গুলো সেগুলো হোল নাম্বারে আসবে কি আসবে না, আসবে. আর জিরোর যে ফিচার্সটা সেটা আমি এক্সট্রা এখানে দেখিয়ে দিলাম. আর জিরোর অ্যাড হওয়ার জন্য, মাইনাস হওয়ার জন্য, মাল্টিপ্লাই হওয়ার জন্য, ডিভাইড হওয়ার জন্য কি রেস্ট্রিকশন দাঁড়াচ্ছে, যদি আমরা জিরো কে নিয়ে দুটো হোল নাম্বারে অ্যাডিশন করি তাহলে আমার দুটো ক্ষেত্রেই আনসার সেম আসবে, মাল্টিপ্লিকেশনে দুটোতেই জিরো আসছে, শুধু ডিফারেন্স কোথায় হচ্ছে, সাবট্রাকশন আর ডিভিশনে. সেম এই জিনিসটা আমাদের এতেও ছিল, ন্যাচুরাল নাম্বারেও ছিল, সেম এই ওয়ালা চিজ হমলোগ কা ন্যাচুরাল নাম্বার মে ভি তো থা. ন্যাচুরাল নাম্বার মে মাল্টিপ্লিকেশন অর অ্যাডিশন করনে সে হমে ন্যাচুরাল নাম্বার মিলতা থা, লেকিন ডিভিশন অর সাবট্রাকশন করনে সে তো হমেশা মিলে, মে অর মে নট ভি হো রাহা থা, তো ওহি চিজ ইয়াহা পর ভি আ গিয়া. তো ফোর ফান্ডামেন্টাল অপারেশন ইস পে কেসে অ্যাক্টিভ হোগা উসকো অর মেনে অলগ সে নাহি দিখায়া, কিউকি ও সারা ফিচারস ইহি ওয়ালা অ্যাপ্লিকেবল হোগা জো হমলোগোনে ইয়াহা পর পড়া ওহি, কিউকি 12 অর 5 ইয়ে ন্যাচুরাল নাম্বারস তো হাই অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ কিয়া হ্যায় होल नंबर भी तो है. हाँ कि ना बोलो, होल नंबर है कि नहीं, होल नंबर ना है, होल नंबर तो क्या ना होल नंबर, कारण আমি কি শেখালাম এক্ষুনি যে ন্যাচুরাল নাম্বার মানে 1 2 3 4 5, আর 1 2 3 4 5 এর সাথে আমরা যদি জিরো কে অ্যাড অন করে দিই তাহলে ওটা আমাদের কি হয়ে যায়, হোল নাম্বার. তাহলে ন্যাচুরাল নাম্বারস এর যে ফিচারসটা আছে সেটা তো হোল নাম্বারের মধ্যে থাকবেই থাকবে, তাই না? তো এই জন্য এটাকে আর আলাদা করে লেখালাম না, এটা এরকম জিস্ট করে দিলাম, যেটা ওটার এটাই এটার আছে, ঠিক আছে, বলো সমঝ মে আয়া कि अगर हम लोग नेचुरल नंबर्स का फीचर्स जो है वही हम लोग का होल नंबर का होगा, लेकिन जीरो आने की वजह से फीचर्स में जो चेंजेस है वो हम लोगों ने देख लिया, लेकिन वो भी नेचुरल नंबर से ही मिलता जुलता है. देखो प्लस करने से होल नंबर आ रहा है, मल्टीप्लाई करने से भी आ रहा है, सिर्फ डिविजन और जो है सब्ट्रैक्शन के केस में नहीं आ रहा है, ठीक है. आई होप कि क्लियर हो गया होगा, ठीक है. अच्छा अब नेक्स्ट लिखो यहाँ पर, नेक्स्ट पॉइंट होल না ওই হোল নাম্বারের ওই এটা নাম্বার লাইনটা, হোল নাম্বারস ক্যান অলসো বি রিপ্রেজেন্টেড অন দ্য নাম্বার লাইন অ্যাজ ফলোস. होल नंबर को हम लोग नंबर लाइन से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते, करो नंबर लाइन पे प्रेजेंट करो, ऐसे नंबर लाइन सिखाए ना अभी कैसे करके होगा, तो कैसे प्रेजेंट करोगे बोलो, तो
जीरो यहाँ पर इंक्लूड कर दो, बाकी 1 2 3 4 5 डॉट डॉट ऐसे ही चलता जाएगा, है ना, ऐसे चलता जाएगा। ये हो गया, हम लोग का जीरो से स्टार्ट होगा, और जो नेचुरल नंबर्स था उसमें स्टार्टिंग कहाँ से था, वन से था। यहाँ पर बस एक चीज याद रखो, ये कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट होगा, ठीक है। और इसका भी एंड का हमें कुछ नहीं पता, एंड कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। ये समझ में आ गया कि नंबर लाइंस का प्रेजेंटेशन, सॉरी होल नंबर्स का नंबर लाइन में प्रेजेंटेशन कैसे हो जाएगा। ओ यार यार ना लिख लो, सेम वही जिनिस, इसमें भी वही होगा, सक्सेसर प्रिसीडर्स, ठीक है। जैसे जीरो में वन ऐड करेंगे वन हो जाएगा, वन में वन ऐड करोगे टू हो जाएगा, टू में वन ऐड करोगे, सेम वही वाला कंसेप्ट है, ठीक है। अब हम लोग हेडिंग कर सकते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या लिखा था, इंटीजर नंबर, ठीक है। इंटीजर का मैंने क्या समझाया था, देखो इंटीजर में हम लोग का 0 1 2 3 4 5 है, मतलब इंटीजर का मतलब क्या हो गया, हाँ दशमिक थाकबे ना, इंटीजर माने दशमिक छाड़ा। देखो इंटीजर का मतलब क्या हो गया, नेचुरल नंबर्स रहेगा, होल नंबर्स भी रहेगा, है ना। इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर्स रहेगा और क्या रहेगा, होल नंबर्स रहेगा, प्लस यहाँ पर क्या रहेगा, नेगेटिव नंबर्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर, क्योंकि नेगेटिव को कहाँ भेजे ये हम लोगों ने सोचा था, तो हम लोगों ने कैटेगरी बना लिया इंटीजर, तो ये यहाँ पर ट्रांसफर हो गया, ठीक है। ये तीनों चीज यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हम लिख देते हैं, तुम लोग को हेडिंग करवा देते हैं इंटीजर का, करो इंटीजर बोल के हेडिंग करो, इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स में लिखो वी हैव एक्सपेंडेड द होल नंबर सिस्टम, द होल नंबर सिस्टम, सिस्टम टू इंक्लूड अनदर सेट ऑफ नंबर्स नोन एज इंटीजर्स, therefore the integers are -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। इधर भी डॉट डॉट कर दो, इधर भी डॉट डॉट कर दो, समझा दो, लिख लो, फिर हम बताते हैं ये मैंने क्या बोला। देखो अभी मैंने बोला कि इंटीजर नंबर क्यों हम लोगों ने सोचा, क्योंकि हम लोगों ने पहले सीखा था वन से काउंटिंग करना, 1 2 3, जिसको हम लोग बोलते थे डॉट डॉट, जिसको हम लोग बोलते थे नेचुरल नंबर। फिर हम लोगों ने सोचा यहाँ जीरो का भी तो कंसेप्ट आ गया, जीरो आ गया है अब, मतलब नंबर के वर्ल्ड में जीरो का एंट्री हो गया है, तो उसके बाद हम लोगों ने उसको फिर क्या बोल दिया, जीरो को इंक्लूड करके बोल दिया ये होल नंबर हो गया। अब इसमें हम लोगों ने माइनस को भी एड ऑन कर दिया। नेक्स्ट हम लोगों ने सोचा कि ये सब तो पॉजिटिव नंबर ही है, 0 1 2 3, क्यों ना अब हम लोग इसमें माइनस एड कर देते। इसीलिए देखो मैंने कैसे लिखा है, देखो इंटीजर्स का मतलब क्या हो जाएगा, जीरो भी होगा, इसका मतलब 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, मतलब जो नंबर इंटीजर है वो नेचुरल भी है, वो होल भी है, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा क्या ऐड ऑन हुआ, जैसे नेचुरल से होल में एक्स्ट्रा जीरो ऐड हुआ, वैसे ही इंटीजर में क्या ऐड हुआ, माइनस, हाँ माइनस ऐड हुआ। तो देखो अब माइनस का भी तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, इधर जितना जा सकते हैं और जैसे इधर जितना जा सकते हैं, ठीक है। ये डॉट डॉट ही होगा, जैसे 4 के बाद थोड़ी ना काउंटिंग खत्म है, होल नंबर যদি সংখ্যার সাথে 0 এড হচ্ছে না, যদি তুমি বলছো 20, তাহলে 20 টা কি নাম্বার বলবো আমরা, ন্যাচারালও বলতে পারো হোলও বলতে পারো, কারণ হোলের মধ্যে তো ন্যাচারাল অলরেডি, মানে হোল নাম্বার যেটা সেটা তো অলরেডি ন্যাচারাল নাম্বারই, তাই না। তাহলে এটাকে আমরা দুটোই তো বলতে পারি, ন্যাচারাল নাম্বারও বলবো আর এটাকে আমরা হোল নাম্বারও বলবো, ঠিক আছে, হোল নাম্বারও তো বলবো, কারণ হোল নাম্বারে কি আছে, 0 ইনক্লুডেড আছে, তো नेचुरल होल दुटोई बोलो। तो इंटीजर का मतलब देखो, वी हैव एक्सपेंडेड द, अब देखो यहाँ पर मैंने ये एग्जांपल क्यों लिखवाया, क्योंकि इंटीजर में जीरो भी आएगा, पॉजिटिव नंबर्स भी आएगा, नेगेटिव नंबर्स भी आएगा, इसीलिए मैंने ये एग्जांपल्स लिखवाया। अब ऊपर क्या लिखा है, वी हैव एक्सपेंडेड द होल नंबर, हम लोगों ने होल नंबर को थोड़ा और भी एक्सपेंड कर दिया,
सिस्टम टू इंक्लूड अनदर सेट ऑफ नंबर्स नोन एज इंटीजर. इंटीजर को एड ऑन करने के लिए हम लोगों ने होल नंबर सिस्टम को और भी एक्सपेंड कर दिया, जिसमें हम लोगों ने क्या एड ऑन किया, माइनस नंबर्स. ठीक है, नेगेटिव नंबर्स को हम लोगों ने एड ऑन किया, जिसका कैटेगरी हमें नहीं मिल रहा था, जिसके कैटेगरी को हम लोगों ने नाम रख दिया है इंटीजर. ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर लिखते हैं, लिखो नेचुरल नंबर्स कॉमा होल नंबर्स एंड इंटीजर्स. ठीक है, फिर यहां पर लिखो रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन, रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन. ठीक है, हमें क्या करना है नंबर लाइन सिस्टम में, मतलब वो एक लाइन ड्रॉ करके जैसे हम लोग कर रहे हैं ना, उसमें हमें क्या दिखाना है, नेचुरल नंबर्स को भी दिखाना है, होल नंबर्स को भी दिखाना है, इंटीजर नंबर्स को भी दिखाना है. तो कैसे होगा, बीच में जीरो लिखना पड़ता है. ठीक है, मिडिल में जीरो लिख दो और बाकी साइड बाय साइड. जैसे हम लोग यहाँ पर जीरो के बाद क्या लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5. पॉजिटिव हमेशा इधर लिखा जाता है. ठीक है, जीरो के इधर पॉजिटिव लिखा जाता है, जीरो के इधर लिखा जाता है नेगेटिव. -1, -2, -3, -4 and so on. ठीक है, ये देखो यहाँ पर हम लोगों ने होल नंबर्स भी ले लिया, इंटीजर्स भी ले लिया. इंटीजर्स लिया कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ नेगेटिव नंबर्स भी है. नेचुरल नंबर्स कौन सा है, ये देखो 1 से लेके 6 ... ये नेचुरल नंबर्स हो गया. ठीक है, अच्छा होल नंबर्स कौन सा है, ये पूरा मिला के क्या हो गया, होल नंबर. ठीक है, और इंटीजर क्या है, ये पूरा मिला के क्या हो गया, इंटीजर. ठीक है, ये पूरा मिला के हम लोग का इंटीजर हो गया. बोलो यहां तक क्लियर हो गया कि क्या होगा, पूछा गया लो. अच्छा अब हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, तुम लोग ऐसा नंबर लाइन बना के मुझे दिखाना. ठीक है, एक एग्जाम्पल करते हैं जो भी पढ़ा उसके ऊपर. एग्जाम्पल 1. ठीक है, लिखो कि क्लासीफाई नेचुरल नंबर्स कॉमा होल नंबर्स एंड इंटीजर्स among the following. अच्छा 15 नंबर लिख रहा है, 15, -22, -6, -7, -13, 0, अच्छा 0 के बाद 12 लिखो, 12 के बाद -12 लिखो, -12 के बाद 13 लिखो, 13 के बाद -31 लिखो. इसको तुम लोग को क्या करना है, नंबर लाइंस में बनाना है. ठीक है, बना के हो जाएगा तो मुझे बोलोगे, हम करके दिखा देंगे तो तुम लोग समझ जाओगे कि सही हुआ है कि नहीं, फिर अपना कॉपी से चेक कर लेना. रेडी करो ना, करो ना, तार पे नहीं बोला दीजिए, ठीक हो जाए कि ना देखो. ये सब गुलो पुट कर है तुमने, तो एकदम सब
अच्छा देखो कैसे प्रूव करेंगे, जैसे हम लोग, तुम लोग कैसे भी कर सकते हो, जैसे हम ऐसे करते हैं, पहले 15, 15 पॉजिटिव है तो यहाँ पर हम पहले जीरो लिख लेते, ठीक है? तो 15, 15 हम यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर 15 के बाद लेकिन 22 ये सब भी है, 7 भी है, ठीक है? तो हम यहाँ पर लिख देते चलो 15, ठीक है? मैंने अपने हिसाब से यहाँ पर 15 लिख दिया। नेक्स्ट कितना है, 22, तो 15 के बाद आना चाहिए 22, तो मैंने इधर लिख दिया, ठीक है? 15 के बाद 20, फिर -6 है तो -6 किधर लिखेंगे, जीरो के इधर, तो मैंने इधर लिख दिया -6, ठीक है? जगह हम अपने हिसाब से छोड़ रहे हैं कि बीच में इधर उधर डालना हो तो डाल देंगे। फिर आ रहा है 7, तो 7 कहाँ लिखेंगे, 15 से आगे लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 7, ठीक है? अच्छा, उसके बाद है -13, -13 क्या कहाँ लिखेंगे, -6 के आगे लिखना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा, 0 मैंने पहले ही लिख लिया था, अब है 12, 12 कहाँ लिखेंगे, यहाँ 7 और 15 के बीच में मुझे लिखना पड़ेगा, -12 कहाँ लिखेंगे, -6 और -13 के बीच में, ठीक है? इन दोनों के बीच में आएगा। अच्छा, -12 लिख लिया, अब 13, 13 कहाँ लिखना पड़ेगा, 12 और 15 के है, और -31 इधर आएगा, ठीक है? ये इधर थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, इधर आ जाएगा हम लोग का -31, ठीक है? सब लिख लिया मैंने, देखो तुम लोग का भी ऐसा ही होना चाहिए। না ওরকম কি করে, নাম্বার সিস্টেমে যেরকম হয়, নাম্বার সিস্টেম এই তো এখন আমরা শিখলাম না, জিরোর পরেই তোমাকে ওটা লিখতে, নাম্বার সিস্টেম মানে পরপর লিখতে হবে, আমি যে কোনো ভাবে লিখতে পারবো না, শুধু পজিটিভ নেগেটিভ দেখলে হবে না, আমাকে সিকোয়েন্সটাও মেনটেন করতে হবে। আচ্ছা, আব ইসমে দেখো হাম লোগ এক কনক্লুজন এসা লিখ সকতে হ্যায়, জেসে কি ইয়ে ইয়াহা সে লেকে ইয়াহা তক আগার দেখোগে তো ইয়ে সব ক্যা নাম্বার হ্যায় বোল সকতে হো, ন্যাচারাল নাম্বারস, সহি? ये देखो, ये जो मैंने रेड कलर से लिख दिया, ये हम लोग का क्या नंबर से, नेचुरल नंबर, ठीक है? अच्छा, अब इसमें अगर जीरो को इंक्लूड कर लेते, होल नंबर ऐसे कर दिया मैंने, ठीक है? अब जीरो को भी इंक्लूड कर लो, ये बन गया मेरा होल नंबर, ठीक है? अच्छा, अब ये माइनस को भी ले लेते हैं, हाँ, अगर ये वाला भी हम लोग ले लेते हैं तो ये हो जाएगा हम लोग का इंटीजर। इंटीजर को ना जेड से डिफाइन किया जाता है, वो मैंने लिखा नहीं, वहां पर लिख लो, इंटीजर नंबर को ना जेड बोला जाता है, ठीक है? उधर ले गया इंटीजर, तो इंटीजर को डिफाइन किया जाता है जेड से, ठीक है? जैसे नेचुरल नंबर को एन से, होल नंबर को डब्ल्यू से, वो तो याद रह जाएगा, लेकिन इंटीजर को कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, जेड से डिफाइन करते हैं, ठीक है? तो इंटीजर ये जेड लिख दिया। अच्छा, और एक एग्जाम्पल करो, एग्जाम्पल टू लिखो, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एंड इंडिकेट वेदर और नॉट, वेदर और नॉट द आउटकम is an integer, ठीक है? तो कुछ कैलकुलेशन हम देंगे, तुम लोग को बताना है कि उसका आंसर इंटीजर होगा कि नहीं। जैसे 12 into 4 कॉमा, ठीक है, 7 by 3 कॉमा, 18 by 3 कॉमा, 36 by 7 कॉमा, 14 into 2 कॉमा, 18 by 36 कॉमा, 13 into -3, ठीक है? ये मैंने कुछ कैलकुलेशन दे दिया, तुम लोग को हर एक कैलकुलेशन का जो आंसर आ रहा है वो निकालो, निकालने के बाद बोलो कि इंटीजर होगा या नहीं होगा, ठीक है? মানে আমি এরকম করতে বলছি, আমি একটা একটা দেখিয়ে দিচ্ছি, তাহলে কি করতে বলেছে তোমরা বুঝতে পেরে যাবে। যেমন 12 into 4, 12 into 4 কেতনা হতে হয়, 48, তো তুম লোক বাতাও ইয়ে 48 ইন্টিজার হোগা কি নেই হোগা, তো ইসমে লিখ দো এসে জেড, ঠিক আছে? আমি শিখা না, জেড সে ইন্টিজার কো ডিফাইন কর সকতে হ্যায়, এসে করকে তুম লোক সারা এক এক করকে নিকাল কে মুঝে বাতাও কি হ্যাঁ, আনসার না করলে তো বুঝতে পারবে না কি ইন্টিজার হবে কি হবে। নেক্সট মানে লিখা হ্যায় 7 by 3, ইসকা ক্যালকুলেশন করকে তুম লোক কো বাতানা হ্যায়, उसके बाद दिया था 18 by 3, ये बताना है, 36 by 7 ये बताना है, हम थोड़ा थोड़ा गैप रख रहे हैं हर जगह पे, 14 into 2 ये बताना है,
18 बाई 36 ये बताना है, और 13 इंटू माइनस 3 ये बताना। बाबू चार जगह से अच्छी इंग्लिश बेटा तो इंटीजर हो गए और 8 में भाग 3 तो हो गए छोटी बेटा हो गए छोटी बहू में 8 बेटा हो गए और 8 में 36 भाग पर तो हो गए छोटी तो 8 में भाग 36 এটা ইন্টিজার হবে কিনা এটা ভালো করে ভেবে দেখো, এইগুলো ঠিক বলেছো এই তুমি, কিন্তু 18 বাই 36টা ভেবে দেখো করেছো। আচ্ছা পহলে বলো 7 বাই 3 ডিভাইড করলে সে কত আ রহা হ্যায়, পহলে মুঝে ইয়ে বাতা দাও। 2.33 করে চলছে, এই যে দেখো 7 বাই 3 করলে সে কত আয়েগা, ইয়ে হো গিয়া 3 2 6 ঠিক আছে 1 আয়া 0.0 ঠিক আছে 3 3 9 फिर कितना आ जाएगा 1, ये तो चलता ही जाएगा, मतलब 0.3 चलता ही जाएगा। अगर 0.3 चलता ही जाता है तो हम लोग 3 के ऊपर ऐसा एक बार लगा सकते हैं, ठीक है, मतलब इसको हम लोग बोलना चाह रहे हैं कि ये 0.33333 चलता जाएगा। अच्छा मुझे बोलो, अगर कोई नंबर ऐसा पॉइंट अगर आ रहा है क्या वो इंटीजर होगा, माने यदि दशमिक आसे ताले इंटीजर होबे, डेसिमल तो होबे ना, इखुनी हमरा की पढ़लाम। हां इंटीजर का मतलब क्या है, we have expanded the whole number system to include another set of numbers known as, ये देखो यहाँ पर हम लोग का point का कोई question नहीं आता है, ठीक है, तो ये वाला हम लोग का क्या हो जाएगा, not integer, ठीक है। integer होने के लिए क्या होना पड़ेगा, या तो whole number होना पड़ेगा या तो natural, तब जाके वो इंटीजर होगा, या फिर माइनस होना पड़ेगा। ये नंबर पॉजिटिव है, ठीक है, मान रहे हैं पॉजिटिव है, लेकिन नेचुरल इंटीजर तो नेगेटिव भी हो सकता है, ये नंबर पॉजिटिव है लेकिन ये हमारा ये पॉइंट आने की वजह से ये कैंसिल हो रहा है, इंटीजर नहीं होगा। अब ये देखो 6, ये हम लोग का क्या नंबर है, होल नंबर भी बोल सकते हो नेचुरल भी बोल सकते हो, तो ये इंटीजर है। 36 बाय 7 ये डिवाइड करने से कितना आएगा, 7 बजे 35 हाँ ये 5.1 समथिंग आएगा, तो फिर से पॉइंट आ गया, तो क्या होगा, नॉट इंटीजर, ठीक है। पॉइंट अगर आ जाता है, फ्रैक्शन अगर आ जाएगा तो इंटीजर नहीं होगा। इंटीजर का मतलब एक और भी सुन लो, इंटीजर का मतलब है पॉइंट मेरा नहीं आना चाहिए, ठीक है, फ्रैक्शन कभी नहीं आना चाहिए। अच्छा अब ये तो इंटीजर होगा, 14 इंटू 2 18 बाई 36, इसका ये कैसे इंटीजर होगा, ये तो गलत हो जा रहा था। 18 बाई 36 का मतलब क्या होगा, 2 से इसे डिवाइड करो, 9 से कर लो, 9 2 18 तो क्या 0.5 मेरा इंटीजर होगा, नहीं ये कैसे होगा, ये भी तो मेरा क्या है, नॉट इंटीजर, ठीक है। और यहाँ पर देखो 13 इंटू माइनस 3 कितना होता है, 39, क्या ये इंटीजर होगा, ये इंटीजर होगा, ठीक है, ये इंटीजर होगा, क्योंकि इंटीजर होने के लिए कैसा नंबर चाहिए, इंटीजर नेगेटिव होगा तो चलेगा, ये हम लोग का नेगेटिव नंबर है, ठीक है, लेकिन चलेगा क्योंकि इंटीजर में तो वही नेगेटिव के लिए ही तो ये कैटेगरी बनाए गए थे, ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया, ये हम लोगों ने कर लिया एग्जाम्पल 2, ठीक है, समझ में आया क्या होगा। अच्छा अब हम लोग एग्जाम्पल 3 करते हैं, देखो यूजिंग नंबर लाइन एट द फॉलोइंग इंटीजर्स, हम लोग को क्या करना है, नंबर लाइन का यूज करके इंटीजर को ऐड करना है। क्वेश्चन 1 है 9 प्लस माइनस ऑफ 5, क्वेश्चन नंबर 2 है
11 10 -10 7 और 3 10 हो गया, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करना है, नंबर लाइन का यूज करके करना है। हम दिखाते हैं, नहीं दिखाएंगे तो कैसे पता चलेगा नंबर लाइन का यूज करके कैसे कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिख लियो, आंसर ये आना चाहिए, लेकिन नंबर लाइन से भी यही आंसर आएगा। देखो नंबर लाइन बनाओ, जो अभी तुम लोगों ने सीखा नंबर लाइन कैसे होता है, ठीक है। तो नंबर लाइन का बीच में क्या आएगा, जीरो आएगा। अच्छा, पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या बोला है, पहला क्वेश्चन हमें बोला है 9 -5। तो इधर पॉजिटिव साइड में 9 तक लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। 9 तक इसीलिए लिखा क्योंकि डेटा मेरा 9 तक ही था, इसीलिए मैंने 9 तक लिखा, ठीक है। और नेगेटिव साइड में तब कितना तक लिखोगे, -5 तक लिखेंगे, क्योंकि नेगेटिव में मुझे 5 तक ही तो दिया हुआ है ना, तो ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं, लिख सकते हो लेकिन उसका कोई यूज नहीं होगा। -1 -2 -3 -4 और -5, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें कैसे बोलेंगे, नंबर लाइंस में हम लोगों ने ये गिवन डेटा को पुट कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का गिवन डेटा को हम लोगों ने पुट कर दिया। अच्छा, अब अगर हम लोग देखें तो यहां से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां से लेके यहां तक हम लोग का कितना पॉइंट्स हो गया, पॉइंट्स में जैसे हम लोग बचपन में ऐसे ही सीखते थे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 9 पॉइंट्स, ठीक है, 9 पॉइंट्स। अच्छा, और इधर से हमें कितना तक लेना है, 5 तक लेना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 5 पॉइंट्स। अगर नंबर लाइन सिस्टम में हमारा पॉइंट्स दोनों साइड आ रहा है, पॉजिटिव साइड भी आ रहा है नेगेटिव साइड भी आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में आ रहा है, ऑपोजिट आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। लेकिन किसके साथ किसको माइनस करेंगे, बड़ा वाला डेटा के साथ छोटे वाले डेटा को हम लोग माइनस करेंगे, और आंसर हम लोग का क्या होगा, जो राइट साइड में है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो, यहाँ पर आंसर हो जाएगा 9 -5 कितना होगा, 4 + 4 होगा, और इसका रीजन लिख लो, एज 9 इज ऑन राइट साइड, ठीक है, राइट साइड, ठीक है। राइट साइड में हम लोग का जो नंबर है, ठीक है, उसी का हमारा साइन होगा। प्लस फोर क्यों हुआ, क्योंकि 9 ज्यादा वाला डेटा हम लोग का किधर है, राइट साइड। नॉर्मली कौन सा साइन होता है, जो बड़ा डेटा है, जेटा बड़ो संख्या सेटा ही तो साइन टर्म रे यूज करे, तो क्योंकि राइट साइड में ही बड़ा डेटा रहेगा, क्योंकि राइट ही तो मेरा पॉजिटिव साइड है और लेफ्ट मेरा किधर है, नेगेटिव साइड है। तो राइट साइड में जो डेटा रहेगा उसी के बेसिस पे हमारे आंसर का मतलब साइन डिसाइड होगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर दोनों साइड आ रहा है तो हम लोग का काम किस चीज का होगा, माइनस का होगा, ठीक है। बाकी ये उतना रेलिवेंट नहीं है क्योंकि तुम लोग को एग्जाम में ड्रॉ करने नहीं देगा, तुम लोग को ऐसे दे देगा, आंसर बोलना पड़ेगा, ठीक है। फिर भी एक है तो हम सिखा देते हैं उसके बाद, और एक करो तो तुम लोग को खुद से समझ में आएगा कैसे होगा। वो दूसरा वाला भी करके देखो, दूसरा वाला भी करके देखो, ये तो दिया हुआ है -3 और -7। अब पॉइंट्स लिखो, पहले पहले कितना पॉइंट्स लिखेंगे, एक 3 पॉइंट से और एक 7 पॉइंट से, ठीक है। तो यहां तक कवर करो, लिखो 3 पॉइंट्स, और यहां तक कवर करो, लिखो 7 पॉइंट्स। तो अगर दोनों पॉइंट्स हमारा एक ही साइड आ रहा है तो हमें प्लस करना पड़ेगा। देखो हम वही कहना चाह रहे थे, अगर हमारा दोनों साइड में पॉइंट्स आ रहा है तो हमें पॉइंट्स को माइनस करना पड़ेगा, लेकिन अगर हमारा एक ही साइड में पॉइंट आ रहा है तो हम लोग का ऐड होगा, चाहे इधर आए चाहे इधर आए, ठीक है, तो हम लोग का ऐड करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग क्या ऐड करेंगे, 7 प्लस, হ্যাঁ সবসময় মাইনাস হবে, যদি ধর এখানে 9 আছে এখানে 5 আছে তাহলেও আমার মাইনাস হবে, যদি এখানে 9 হতো এখানে 5 হতো তাহলেও আমার মাইনাস হতো, কিন্তু আমাকে সাইনটা কোনটা দিতে হতো, যেটা বড় সংখ্যা, ঠিক আছে, পয়েন্টস দেখে বুঝতাম, যেখানে বেশি পয়েন্টস আছে তার সেটা যেদিকে আছে। এবার এখানে তো দেখো নাম্বার সিস্টেমে কি হচ্ছে, আমি সাইডটা দেখছি, এখানে 9 পয়েন্টসটা কোন সাইডে আছে, পজিটিভ সাইডে, তাহলে আমার আনসারটা কি হবে, পজিটিভ হবে। এবার কত আনসার আসবে, দুদিকে থাকলে দুটো ডেটাকে করে দিতে হবে মাইনাস, তার মানে আমাকে 5 -9 করতে হবে, বা আমার এদিকে 9 আসতো এদিকে 5 আসতো, তাহলে আমাকে কি করতে হবে, 9 -5 = 4। এবার আমি সাইন কোনটা নেবো, যেদিকে বড় ডেটাটা আছে, তো 9 পয়েন্টস যদি এদিকে থাকে তাহলে আমার আনসার কি মাইনাস, তার মানে অ্যাকচুয়ালি এটা -9 আর +5, ঠিক আছে। अब सेम तरीके से ये वाला देखो, अगर हम लोग का एक ही साइड है
एक ही साइड है, तो मतलब काम क्या होगा, प्लस का होगा, ठीक है। तो 7 पॉइंट्स और ऐड करना पड़ेगा, 7 पॉइंट्स ऐड क्या हो जाएगा, 3 पॉइंट्स इसका मतलब, ठीक है। तो 7 और 3 ऐड करने से कितना होता है, 10 होता है। लेकिन हम लोगों का दोनों ही डेटा किधर, कौन से साइड में है, नेगेटिव साइड में, तो आंसर मेरा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। आंसर मेरा क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, इस तरीके से होगा। अब जैसे देखो, ऑपोजिटली सोचो, अगर ये 3 और 7 इधर आता, सपोज यहाँ पर 1 2 3 होता, ठीक है, 1 2 3, हम ये जो समझाने के लिए बोल रहे हैं 5 6 7, तुम लोग मुझे बताना। देखो यहां से यहाँ 3 पॉइंट्स, ठीक है, यहां से यहाँ कितना हो गया, 7 पॉइंट्स, ठीक है। अब दोनों एक साइड में होने से क्या होगा, एड होगा, चाहे पॉजिटिव में हो चाहे नेगेटिव में हो, तो 7 एड क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। 7 और 3 ऐड करने से कितना होता है, 10। अब साइन कौन सा देंगे, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव साइड में, तो हमें आंसर क्या देना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो इस तरीके से बच्चे को सिखाया जाता है पॉजिटिव साइड में नेगेटिव साइड में कैसे जाता है, ये नॉर्मली हम लोग बेसिकली 4 5 6 में पढ़ते या फिर 7 में ऐसे करके सिखाया जाता है, लेकिन हमारे लिए उतना रेलिवेंट नहीं है। जब है तुम लोग के सिलेबस में नंबर सिस्टम तो मैंने दिखा दिया, लेकिन एमसीक्यू में ये देगा कैसे, ये तो दे नहीं सकता, एमसीक्यू तो इतना दीते भर में ना, হ্যাঁ এটা দিয়ে দিতে পারে, ডাইরেক্টলি ক্যালকুলেট করতে দেবে, এইসব আঁকতে তো দিতে পারে না, কারণ ওখানে তো তোমাদের আঁকা আঁকে কোনো সিস্টেম নেই, ঠিক আছে। আচ্ছা আব দেখো ইয়াহাঁ পর মুঝে কুছ আনসারস তুম লোগ বলো, আনসারস দা ফলোইং, ফটাফট, হ্যাঁ হ্যাঁ লিখ, আনসারস দা ফলোইং, ঠিক আছে। यही लास्ट करेंगे, ठीक है, तुम लोग मुझे आंसर बताना क्या क्या होगा, आराम से कर लो फिर बताऊंगा। এটা তো প্লাস আছে, এটা মাইনাস আছে, -3 -7 -3 -7 -7 2 -2 কাম এডিশন কা হোগা, ক্যুকি আবি মানে নম্বর সিস্টেম সে ভি সমঝায়া, আগর দোনো হি এক হি জ্যাসা হ্যায়, দোনো হি নেগেটিভ হ্যায়, তো আনসার পজিটিভ আনা চাহিয়ে, লেকিন সাইন কোন সা হোগা, জো ডেটা বড়া হ্যায়, তো 7 3 মে জো বড়া হ্যায়, আচ্ছা ইয়ে দোনো মে দেখো, এক পজিটিভ হ্যায়, এক নেগেটিভ হ্যায়, তো ইস নেগেটিভ ওয়ালা বড়া হ্যায়, তো আনসার মাইনাস হোগা, কাম ভি মাইনাস কা হি होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा -2। अच्छा अब यहाँ पर देखो, एक डेटा मेरा ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो मेरा काम कैसे होगा, माइनस का होगा, तो माइनस होने से कितना हो जाएगा, ना एटा प्लस से होगे, 6 माइनस, ये देखो ना, ब्रैकेट ओपन करो, 6 और ये माइनस माइनस में क्या हो जाएगा, +4, ब्रैकेट ओपन करने से 6 और माइनस माइनस से की हो जाएगा, +4 हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, +10 आएगा, ठीक है, 6 और माइनस माइनस में +4, हम लोग का आंसर आ जाएगा +10, ठीक है, और -6 और -4, तो इसका ब्रैकेट ओपन करो सिंपल, -6 और माइनस माइनस में क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, -2 होगा, तो ऐसे होगा। ये देखो ना, ये दोनों ही डेटा मेरा क्या, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो हम लोग का माइनस हुआ, एक नेगेटिव दूसरा भी नेगेटिव, तो काम एडिशन का हुआ,
एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, फिर से काम किस चीज का हुआ, माइनस का हुआ, ठीक है। अच्छा और ये देखो ये वाला एक पॉजिटिव और एक हम लोग का क्या है, ये हम लोगों ने नेगेटिव रखा है, एक पॉजिटिव साइड में है एक नेगेटिव साइड में है। हाँ तो ये माइनस ना ना माइनस हो ना, এটা পজিটিভ নেগেটিভ আছে কিন্তু দাঁড়াও এটাকে নাম্বার সিস্টেমে কি করে বোঝাবো, এদিকে 6 পয়েন্ট আসবে ঠিক আছে আর এদিকে মাইনাস 4 আছে, কিন্তু আমার মাইনাস হচ্ছে কাজটা, তাহলে আমার কিন্তু মাইনাস মাইনাসে প্লাস হয়ে যায় ব্র্যাকেট ওপেন করলে। আচ্ছা ঠিক আছে এটা আমি বলে দিচ্ছি, মাইনাস ইয়ে মাইনাস হ্যায় ইয়ে মাইনাস হ্যায়, লেকিন ইসকে আগে দেখো না ক্যা হ্যায়, মাইনাস হ্যায় অ্যাকচুয়ালি ইয়ে ব্র্যাকেট মে হ্যায় না, হম লোগ কো দেখনা পড়েগা কি ব্র্যাকেট, क्योंकि हम लोगों ने बॉटमस सीखा तो ब्रैकेट का तो काम पहले होगा, ब्रैकेट हटने के बाद क्या सिचुएशन हो रहा है उसके बेसिस पे होता है, ठीक है ब्रैकेट हटना पड़ेगा। तो ये देखो इसमें ब्रैकेट हटने से ना माइनस ही आ रहा है इसीलिए कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, इसमें ब्रैकेट हटने से माइनस ही आ रहा है इसीलिए नो कंफ्यूजन, इसमें जब ब्रैकेट हट रहा है तो प्लस ही हो रहा है। देखो এটাতে ব্র্যাকেট সরে গেলে কি হচ্ছে, দুটো আমার কি হচ্ছে দুটো, একটা পজিটিভ একটা নেগেটিভ, ঠিক আছে তাহলে আমার কি হলো মাইনাস, দুটো হি নেগেটিভ তাহলে আমার কি হয়ে গেল প্লাস এর কাজ হলো, সাইনটা তো সবসময় বড় সংখ্যা হবে ঠিক আছে, এই দেখো এখানে সাইন কি হবে মাইনাস এর হবে, একটা প্লাস একটা মাইনাস, তাহলে আনসার কি হবে মাইনাস এর হবে সাবট্রাকশন, আবার এখানে যদি ব্র্যাকেট সরে যায় তাহলে দুটোই পজিটিভ দিকে, তাহলে কি হয়ে যাবে 10 হবে, আর যেহেতু এখানে বড় সংখ্যা 6 তাহলে এখানে কত হবে প্লাস হয়ে যাবে। আচ্ছা এটা ব্র্যাকেটটা ওপেন করো মাইনাস 6 প্লাস 4, তাহলে একটা পজিটিভ একটা নেগেটিভ, তাহলে আনসারটা কিসের হবে মাইনাস এর হবে, তাহলে 6 আর 4 এ মাইনাস করলে 2 হয় কিন্তু 6 যেহেতু বড় সেই জন্য মাইনাস হবে, ঠিক আছে নাম্বার সিস্টেম দিয়েও হবে কিন্তু বটমাসটা তো ভুললে হবে না, বটমাসটা আমাকে আগে অ্যাপ্লাই করতে, পহলে তো বটমাস অ্যাপ্লাই করনা পড়েগা কি আগর ব্র্যাকেট হ্যায় তো হম লোগ ইসকো ওপেন করকে কেসে করেঙ্গে, তো ইসকো আগর तुम लोग इसमें भी ड्रॉ करोगे सेम तरीके से होगा जैसे मैंने बोला, सिर्फ तुम लोग को ब्रैकेट ओपन करना है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने कितना सारा कर लिया देख लेते हैं, एक मिनट ना सब गुलो हो गए, इंटीजर পর্যন্ত হয়েছে ঠিক আছে, इंटीजर হয়েছে, हां नेक्स्ट दिन हम लोग रैशनल इरेशनल और उसके बाद रियल नंबर और भी है वो भी करेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, पहले तुम लोग इतना ही कर लो, ठीक है। हां वो लास्ट पेज था ना, लास्ट पेज तक अच्छा दाणा एक सेकंड, अच्छा हाँ बस ठीक है ঠিক আছে রাখলাম, হ্যাঁ আচ্ছা।